आज माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य मंत्रिमंडल 58तम बैठक अनुष्ठित आज कैबिनेट बैठक रे सर्वमोठ 15टी प्रस्ताव आगत करा एवं सविशेष विचार परे 15टी प्रस्ताव को विभिन्न विभाग 15टी प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल अनुमोदन कर प्रस्ताव गुड़िक संपर्क में आपण मानक जनवाक चाहिए। गोटे प्रपोजल थिला निर्माण विभाग तरफ वार्स डिपार्टमेंट तरफ कटक रिंग रोड खाननगर थारु लिंक रोड पर्यंत जो रिंग रोड टी अच्छी ताकू छाकिया सिक्स लेन क्यारेज वे करने सरकार विभाग तरफ प्रस्ताव दि जाइला एवं यह फल जो नुआ बस स्टैंड टी खाननगर ठारे राज्य सरकार तरफ याठू बस जावासवा तथा रिंग रोड रे कंजेसन नहवापी छाकिया रास्ताटी सहायक हे। आज छाकिया रास्तार टेंडर को टेंडर होता है यह टेंडर टेंडर ईपीसी टेंडर को 121.65 लाख टंका रे अनुमोदन करा जाइछे एवं यही कार्यटी आगामी 24 मास भितरे शेष करा लक्ष्य धार्य करा जाइछे। आउ गोटी आज बहुत बड़ प्रस्ताव राज्य सरकार राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन करिछन्ती ताहाला बिजु सेतु योजना रे आपण माने जानंती बिजु सेतु योजना रे 21-22 मसिया बेले 3 वर्ष पई बिजु सेतु योजना को सम कार्यकाल को वृद्धि कर 21-22-23-24 पर्यंत जो थे 5,182 कोटी टंका व्यय 946 ब्रिज करवाई सेतु करवाई ग्राम्य सेतु करवाई राज्य सरकार अनुमोदन करते राज्य आम विभाग तरफ जो सर्वे कर 1416 ग्राम्य सेतु निर्माण करने सर्वे कर 866 ब्रिज रही जाता से लिस्ट्रु जहाँ आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर मंजूरी देखते ये 866 नुआ ब्रिज पर आडिशनाल 3,597.22 कोटी खर्च हम एवं स्कीम टी विजु सेतु योजना टी वर्तमान आ 2 वर्ष कार्यकाल वृद्धि करा 2025-26 पर्यंत तेणु आज यो 866 नुआ ग्राम्य सेतु को कैबिनेट मंजूरी देले या फल जो 1416 ब्रिज राज्य सरकार सर्वे कर रखी थे से समस्त ब्रिज कभ कम्प्ली टेकअप कर सर्वमोट अनगोईंग एवं यही 1416 ब्रिज पर राज्य सरकार पखापाखि 8,700 कोटी टंका ऊर्ध खर्च करेंगे। तृतीय गोटे भेरी इम्पोर्टेंट प्रपोजल आज SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ प्रस्ताव रखा जाता ताकि प्रमुलगेसन ऑफ ऑर्डिनेंस फॉर अमेंडमेंट ऑफ ओडिशा स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 से कौन है जी? ना केंद्र सरकार सोशल एवं एजुकेशनल बैकवर्डनेस भितर 22 गोटी कास्ट और कम्युनिटी को एलंग विथ देयर सिनोनिम्स को SC/BC लिस्ट रे इनक्लूड कर केंद्रीय लिस्ट रे तबे से गुड़िक राज्य लिस्ट रे राज्यर SC/BC तालिकार ना तेणु आज राज्य कैबिनेट यही केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड होता ओडिशा प्रजोज्य थी जो 22 कैस्ट एंड कम्युनिटीज विथ देयर सिनोनिम एलंग विथ देयर सिनोनिम्स को ओडिशा राज्यर लिस्ट भितर भर्ती करने निष्पत्ति आपको गोटे ऑर्डिनेंस मध्यम जेहेतु बर्तमान असेंबली सेसन में ना गोटे ऑर्डिनेंस मध्यम एक्टर अमेंडमेंट करने ओडिशा स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 संशोधन करी
लिस्ट गुड़ को भर्ती करिया पे आज राज्य सरकार कैबिनेट अनुमोदन देछंती। आउरी गोटे भेरी इम्पोर्टेंट एजेंडा आज शक्ति विभाग तरफ रखा जाए थिला प्रस्ताव, तार प्रस्ताव टी होची डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रे विपणन विद्युत विपणन क्षेत्र रे एटीएनसी लॉस कमेबापे एवं सिस्टम स्टेबिलिटी एवं क्वालिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई करिया पे जो रिभाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट स्कीम अच्छे रिभाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आरडीएसएस अच्छी भारत सरकार से स्कीम रे राज्यर शक्ति विभाग 6284 कोटी टंका रो गोटे प्रस्ताव आज उपस्थापन करथिले, जो प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट अनुमोदन देछंती इम्प्लीमेंट करिया पे। से प्रस्ताव पर राज्य सरकार शेयर रहिब अंश रहिब 2342 कोटी टंका, से 428 कोटी टंका स्मार्ट मीटरिंग, 4248 कोटी टंका डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बात्या प्रतिरोधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर 4248 कोटी एवं 1509 कोटी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग अंतर्भुक्त अछि। एवं एही प्रोजेक्ट गुड़िक 3 वर्ष भितर अर्थात 2026 मध्यरे आपको संपूर्ण कर लक्ष्य रखाई, तेणु ये आरडीएसएस स्कीम को आज राज्य कैबिनेट जो मंजूरी देखते 6284 कोटी टकर राज्य सरकार अंशधन रही 2342 कोटी। आउ गोटे बहुत जलवायु परिवर्तन संबंधित ताकू आड्रेस करिया पई इल इफेक्ट को आड्रेस करिया पई सारा देश रे वर्तमान विभिन्न प्रकार योजना प्रणयन करा होची, ताकू आखिर रखी राज्य सरकार 2021 मसीह रे ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस करथिले एवं लक्ष्य रखा जायता 2025 बेलकू राज्यर 20% गाड़ी को बैटरी बा इलेक्ट्रिक व्हीकल रे परिणत करिया पई, सेथिपाई किछे सब्सिडी मध्ये दिया होतला। तेबे इतिमध्ये देखाला जो सब्सिडी दिया है सेथिरे जेतिके संख्या रे व्यक्ति विशेष गाड़ी किनिबा कथा सेथि किणु नाहंती, तेणु ताकू टिके अधिक प्रोत्साहन देवाई आज राज्य कैबिनेट मंजूरी देछंती, जहाँफल दुई चकिया गाड़ी पई सर्वाधिक 20,000 टंका सब्सिडी दिया जिवो, तीन चकिया गाड़ी पई फ्लाट 30,000 टंका सब्सिडी दिया जिवो एवं चारि चकिया गाड़ी पई फ्लाट 150,000 टंका रो सब्सिडी देवाप राज्य सरकार मनस्थ कर जो मैंने इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल किणवे, तेणु यही प्रस्ताव टी कार्यान्वयन हेले आशा करूँ राज्य सरकार जो लक्ष्य अच्छे 2025 बेलू 20% बैटरी बा इलेक्ट्रिक व्हीकल ओडिशा रे हम से आशा पूरण हो पार। षष्ठ इम्पोर्टेन्ट प्रस्ताव आपण मैंने जानते आगु 2023 मसीहा पर्यंत भारतीय हॉकी पई राज्य सरकार 5 वर्षर प्रोत्साहन देते स्पॉन्सरशिप देते एवं ओएमसी तरफ रु ताकु 18-23 मसीहा पर्यंत एग्रीमेंट कराइला 120 कोटी रु ऊर्ध टंका मध्य सेथिपई आमे खर्च करथिले। एबे ओएमसी वर्तमान आउ 10 वर्ष अर्थात 1 फेब्रुआरी 2023 रु 31 जनवरी 2033 पर्यंत भारतीय हॉकी उभय पुरुष एवं महिला दलर प्रयोजक हेबा प्रतिश्रुति देछंती, तेणु आज ओएमसी पक्षर हॉकी इंडिया को यही जो समय 10 वर्ष पई जो प्रोत्साहन राशि 434.12 कोटी टंका प्रदान करा जिवो, आकु यही प्रस्तावटी को ओडिशार जो सहयोग रे भारतीय हॉकी दल उभय पुरुष एवं महिला हॉकी दल विश्व स्तर रे भल प्रदर्शन करचंती एवं ताकु देखी ओडिशार मध्य युव हॉकी खेलाळी मानक भितरे यही खेल प्रति अधिक आकर्षण बढ़ी एवं लोक अधिक पिला आकृष्ट होचंती, तेणु सबु को आखिरे रखी राज्य सरकार वर्तमान 1 फेब्रुआरी 2023 रु 31 जनवरी 2033 पर्यंत जो ओएमसी को भारतीय हॉकी दल प्रयोजक हेबा पई आज राज्य कैबिनेट मंजूरी देछन्।
तापरे स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट रो गोटे प्रस्ताव थिला लघु खनिज पदार्थ बा माइनर मिनरल परिचालना प्रक्रिया को वर्तमान राजस्व विभाग और विपर्य परिचालना विभाग रु इस्पात और खनि विभाग को राज्य सरकार हस्तांतर करिसेंती। हस्तांतर प्रक्रिया को सुगम करिया पई तथा ई टेंडर बा ई नीलाम माध्यम रे लघु खनिज पदार्थ गुड़िकर खनि आवंटन एवं आई फोर एम एस मध्यम जमती आम मेजर मिनरल आई थ्री एम एस मध्यम टेक्नोलोजिकली आम समस्त प्रकार कार्य तदारख करूँ माइनर मिनरल क्षेत्र में आई फोर एम एस मध्यम बेआईन खनि तथा खनि चोरी रोकवाई खनिज पर आवश्यक पड़ता ट्रांजिट पास प्रदान प्रक्रिया को कंप्यूटर करसबू कार्यकारी करने ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2016 को आज राज्य कैबिनेट संशोधन करने अनुमोदन करपरी खनि इस्पात विभाग तरफ आउ गोटे प्रस्ताव आज राज्य कैबिनेट सम्मुख रखा जाता और ताकू आज राज्य कैबिनेट प्रस्ताव को अनुमोदन कर निर्दिष्ट खनि लघु खनिज माने स्पेसिफाइड माइनर मिनरल जो अच्छी तार उत्स गुड़िकर प्रथम पर्याय निलाम प्रक्रिया रो सफल रूपायन पर यही प्रक्रिया रे अधिक स्वच्छता तथा गतिशीलता संबंधी विभिन्न प्रसंग को दृष्टि रखी आज कैबिनेट माइनर मिनरल ऑक्शन रूल 2019 को संशोधन करने को अनुमोदन देखते या फल आमर ऑक्शन गुड़िक खनिर निलामी गुड़िक सुरखुरी स्वच्छतार सहित करापर कि सर्विस कंडीशन रिलेटेड प्रस्ताव आज थिला जो थे प्रथम प्रस्तावटी सर्विस रिलेटेड थिला ग्राम्य उन्नयन विभाग ग्राम्य निर्माण संस्था रूराल वर्क्स डिपार्टमेंट जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी कर्मचारी मानक निजुक्ति और पदोन्नति एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानक पदोन्नति निमन्ते कौन से निर्दिष्ट नियमावली नथिबारु कर्मचारी माने विभिन्न समय विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन होउछन्ती। एही असुविधार समाधान निमन्ते राज्य सरकार समस्त प्रकार चिंता करी ओडिशा मिनिस्टेरियल सर्विस रूल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ए जो रूल को तैयारी करिया पे निष्पत्ति नहींछन्ती। उक्त नियमावली ग्राम्य निर्माण संस्था कार्यरत जिला स्तर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निजुक्ति और पदोन्नति परिचालना कर सहायक हो तेणु ग्राम्य निर्माण विभाग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मान अमेंडमेंट ये नूतन जो रूलटी विशेष सहायक हम से जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तरफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट तरफ आज गोटे प्रस्ताव ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस ग्रुप बी एंड ग्रुप ए रिस्ट्रक्चरिंग करने प्रस्ताव दिया वन सेवा क्याडर रे ओडिशा वन सेवा क्याडर रे 670 पदवी नूतन सृष्टि करा जाई ग्रुप बी एवं ग्रुप ए सीनियर ब्रांच सुपर टाइम स्केल सुप्रियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एवं एसएसजी क्याडर रो पुनर्गठन पर आज राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर देछंती। यहाँ फल क्याडर बी वन सेवा ग्रुप बी क्याडर पद संख्या 651 रु 606 वन सेवा ग्रुप ए एस बी पद संख्या 74 रु 84 हेबो सुपर टाइम स्केल रो पद संख्या 11 रु 18 हेबो सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पद संख्या 5 रु 8 को वृद्धि करा जिवो एवं ओडिशा वन सेवा एस जी एस रे गोटे नुआ पदवी सृष्टि करा जिवो या फल 670 पदवी पदर वृद्धि करा जाई ओडिशा वन सेवा क्याडर रो पुनर्गठन करा जिवार प्रस्ताव को आज राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल अनुमोदन देछंती। अर्थ विभाग तरफ गोटे छोटिया प्रस्ताव टीए दिखाई जीपीएफ रूल रे परिवर्तन पर कहुई केंद्र सरकार राज्य सरकार अधीन कौन प्रतिष्ठान निजुक्ति नापी जब कौन ग्राहक को
बिना विरतिर बदली कर समस्त ग्राहक देव उपार्जित शुद्ध हस्तांतर कर अवसरण ग्रहण प्रस्तुति छुट्टी पूर्व अवकाश थे से समय ग्राहक हिसाब अधिकारी निकट में आवेदन करेंगे और संचित राशि से ही अवकाश आरंभ वास्तव अवसर तारीख मध्य जेको समय देयोग्य हो संचित जमाराशि देयोग्य हेले कार्यालय अथवा विभागीय मुख्य सेवानिवृत्त होवा ग्राहकों विशद विवरणी महालेखक अथवा हिसाब नियंत्रण को अवसर तारीख तीन मास पूर्व प्रदान करेंगे ग्राहकों एम्प्लॉयी मृत्यु अथवा स्वच्छकृत अवसर अथवा बाध्यतामूलक अवसर व बरखास्त क्षेत्र में उक्त विवरणी कार्य शेष दिवस तीन मास भीतर प्रदान कर एम्प्लॉयी मानकर जीपीएफ चूड़ांत उठाण एवं अन्यान्य प्रक्रिया सहज सापेक्ष हो परिवार संज्ञा किसी परिवर्तन करा उभय पुरुष और महिला ग्राहकों पर संज्ञा पर अन्य सदस्य मानक ग्रहण करोटे एम्प्लॉयी मानकर समस्या जीपीएफ जनित समस्या को समाधान करिवारे अधिक सहायक हो आउ गोटे प्रस्ताव अच्छी एमएसएमई डिपार्टमेंटर से हूँ रूल्स ऑफ रेट कंट्राक्ट फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस इन ओडिशा 2014 रूल अमेंडमेंट पाई केते समय देखाई जो पदार्थ गुड़िक बा सर्विस गुड़िक ईपीएम नोटिफिकेशन हुए से गुड़ी को किनापी समस्त कंसर्न विभाग बाध्य तबे बेले बेले किसी विभाग रे यही भाई किसी सेवा बा पदार्थ किणवापी किणवे किसी असुविधा हो पाए विभाग आवश्यकता को दृष्टि रखी केते समय रे विभाग मध्य ईपीएम रेट कंट्राक्ट मध्यम बृहत जनस्वार्थ दृष्टि नकरी पारे तेणु तो यही विभाग मान को से सामान्य सुविधा देवाई आज राज्य कैबिनेट जो रूल ऑफ रेट कंट्राक्ट विथ एमएसएमई एंटरप्राइजेस इन ऑफ ओडिशा 2014 को सामान्य संशोधन करने अनुमोदन देखते ओडिशा खदी एवं से विभाग तरफ ओडिशा खदी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड रूल 1956 किसी संशोधन कराई 1956 रूल रे ओडिशा खदी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड रो सेक्रेटरी आर्थिक क्षमता मात्र 10,000 टंका थिला ताकु आज कैबिनेट 4,00,000 टंका पर्यंत तांगर कंटिजेंट एक्सपेंडिचर को मिसेलेनियस एवं कंटिजेंट एक्सपेंडिचर को 4,00,000 टंका पर्यंत व्यय करिवार क्षमता सेक्रेटरी को दिया एवं दरमा एवं रिटायरमेंट बेनिफिट पर संपूर्ण क्षमता सेक्रेटरी रहा जहाँफल एम्प्लॉयी मानकर ऑफिस कार्यकारिता रे जो अधिक समय लगुला से समय एणिक अधिक लगे ना एवं कर्मचारी मैंने यार सुफल पाइबे से एक्साइज डिपार्टमेंट तरफ ओडिशा एक्साइज मिनरल मिनिस्ट्रियल सर्विस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स सीनियर असिस्टेंट एंड सेक्शन ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू एक्साइज डायरेक्टरेट रूल तैयारी करछंती नियम अनुसार वर्तमान ओडिशा सरकार अबकारी विभाग अबकारी अमला सेवा को ओडिशा अमला सेवा जो नियुक्ति पद्धति और सेवा शर्तावली नियम ठार बर्तमान अलग कर एक नूतन भावे ओडिशा अबकारी अमला सेवा अबकारी निर्देशालय अधीनस्थ जिला स्तरीय कार्यालय कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक और उपभोग अधिकारी नियुक्ति पद्धति और सेवा शर्तावली नियम 2023 प्रचलन करने आज प्रस्ताव आगत करते जहाँ को राज्य मंत्रिमंडल आज अनुमोदन कर एवं शेष प्रस्तावटी होची एक्साइज डिपार्टमेंटर थिला ओडिशा सबॉर्डिनेट एक्साइज सर्विस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज रूल को रे सुपरसीड करी एक्जिस्टिंग रूल को सुपरसीड करी गोटे नूतन रूल करने चाहते यार उद्देश्य हूँ जो आम कमन रिक्रूटमेंट हूँ से कमन रिक्रूटमेंट परिधि को यही एक्साइज सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को आने पर
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅବକାରୀ ସେବା ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିୟମ 2023 ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।